यू समझिए ये एक लड़की है, ये क्या है, यू समझिए ये एक लड़की है ना, ये क्या है? एक लड़की है और ये क्या है, ये एक लड़का है ना, ये क्या है, ये एक लड़का है, ठीक है ना, ये एक लड़की है और ये एक लड़का है, और ये क्या करेंगे, ये आपस में दोस्तों अट्रैक्ट हो सकते हैं, है ना, क्योंकि इनका वर्जन अलग अलग है, ये अलग वर्जन का है, ये अलग वर्जन की है। तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए संडे वनडे कुछ नहीं होता है, डेली संडे होता है, डेली नया वर्ष होता है, डेली वैलेंटाइन डे होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ में है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। यकीन मानिए दर्द सभी के एक जैसे होते हैं, मगर हौसला हर किसी का अलग अलग होता है। कोई हार करके बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। आज हम मिक्स क्वेश्चनों का सीरीज लेकर, ये हमारी जो मिक्स क्वेश्चन की सीरीज है ये 18वां नंबर का सीरीज है, 18वां नंबर के पड़ाव तक हम पहुंच चुके हैं, जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चनों का दोस्तों सॉल्यूशन, सभी क्वेश्चनों का कंटेंट बस कुछ ही समय में आप सभी के नोटबुक तक पहुंचने वाली है, इसलिए आप तैयार हो जाइए हर प्रश्नों का सामना करने के लिए, है ना। बस एक ही बात याद रखना मेरे भाई, एक ही बात लाइफ में याद रखना कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, अगर हौसला है तो फासला क्या है। दोस्तों हौसला के आगे तो पर्वत भी, हौसला के आगे तो दोस्तों दुनिया भी घुटने टेक देती है, फिर ये किस खेत की मूली है, है ना। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, ये हमारी मिक्स क्वेश्चन का दोस्तों, ये कौन सा सीरीज चल रहा है, ये कल वाली हमारी सीरीज थी। देखिए यहां पर डेट भी लिखा हुआ है 14 सितंबर 2023, है ना। ये जो 7:30 बजे वाली क्लास है ना, ये आपके लिए दोस्तों, आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत काम की। इसमें क्वेश्चनों को हम ऐड करके इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और साथ में दोस्तों पीडीएफ और ई नोट्स के लिए निमी टेक्निकल क्लासेस का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है इसको भी ज्वाइन कीजिएगा, है ना। पहला क्वेश्चन देखेगा, हर क्वेश्चन को दोस्तों नस्ते नाबूद करेंगे, और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुकी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि कोई माप तौल की इस प्रणाली को, है ना, माप तौल की इस प्रणाली को संक्षेप में CGS, है ना, CGS सिस्टम भी कहते हैं। ऐसा कौन सा सिस्टम है, वो आपकी है मीट्रिक सिस्टम। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों कि जो आपकी माप तौल प्रणाली है, जो आपकी क्या है, जो आपकी ये माप तौल है ना दोस्तों, इस माप तौल का मुख्यालय कहां पर है, अगर मैं ये कहूं इस माप तौल का मुख्यालय कहां पर है, तो याद रखना दोस्तों ये कहां पर है, ये फ्रांस में है। माप तौल का मुख्यालय कहां पर है, ये फ्रांस में है। इसका सेंटर, इसका मुख्यालय कहां पर है, माप तौल का फ्रांस में। जो मीट्रिक सिस्टम है ना मेरे भाई, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं CGS, है ना। और जो ब्रिटिश सिस्टम है इसको हम कहते हैं फुट पाउंड सेकेंड, है ना, इसको हम क्या कहते हैं, फुट पाउंड सेकेंड, है ना। फुट पाउंड सेकेंड किसको कहेंगे, ब्रिटिश सिस्टम को, मीट्रिक सिस्टम को CGS कहते हैं, है ना। और इसका मुख्यालय कहां पर है, फ्रांस में है। और कुछ सुनते जाइएगा, और कुछ सुनते जाइए। देखिए इसके अलावा एक होती है हमारी MKS सिस्टम, है ना, क्या होती है, MKS सिस्टम। ये जो हमारी MKS सिस्टम है ना मेरे भाई, मतलब कि MKS सिस्टम के बारे में किसने बताया हमें, तो इसने बताया दोस्तों गॉर्ग ने। किसने, गॉर्ग ने हमें बताया 1904 में दोस्तों, गॉर्ग ने इसके बारे में टोटल इंफॉर्मेशन दिया। लेकिन MKS सिस्टम जो होता है ना, जो MKS सिस्टम होती है, अब इसको संशोधित करके MKSA बना दिया गया है। और MKS है वो मेरे भाई, वो देखिए जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, याद रखिएगा जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स है प्लस में जो और इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, ध्यान रखिएगा ये इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेट के सिद्धांत पर काम नहीं करती है, ये किसके सिद्धांत पर काम करती है, तो ये दोस्तों काम करती है आपकी, ये काम करती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी, है ना, नोट कीजिएगा, ये किसके सिद्धांत पर काम करती है, ये इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेट, प्लस मैग्नेट। कैसे, आपने दोस्तों, आप देखते हैं कि विद्युत धारा की इकाई एम्पियर, आप क्या पढ़ते हैं, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर, और आप क्या पढ़ते हैं, वोल्टेज की इकाई, विभव की इकाई वोल्ट, आप क्या पढ़ते हैं, इंडक्टेंस, क्या पढ़ते हैं आप, इंडक्टेंस, फिर आप पढ़ते हैं कैपेसिटेंस, है ना। ये क्या है, ये सब की सब दोस्तों राशियां है, ये सब की सब क्या है, राशियां हैं, मापने की मापन राशि है, है ना। और साथ में हम मैग्नेट में क्या पढ़ते हैं, जैसे कि वेबर,
जैसे कि वेबर, है ना। तो ये जो हमारी एमकेएस सिस्टम है ये दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट के सिद्धांत पर काम करती है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेट के सिद्धांत पर काम नहीं करती है, है ना। ये क्वेश्चन में दोस्तों अगर आ भी जाए मुंह उठा के तो मुंह तोड़ जवाब देना मेरे भाई, क्या करना, मुंह तोड़ जवाब देना है आपको, है ना। बाकी सब दोस्तों बढ़िया है। अगला क्वेश्चन है कि कूलंब किस राशि की इकाई है, याद कीजिए कूलंब किस राशि की इकाई है। ऐसा क्वेश्चन मेरे भाई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, है ना। यूं समझिए आपके साथ खड़े हैं ऐसे क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कूलंब किसकी यूनिट होती है, है ना। कूलंब ये चार्ज की यूनिट होती है। चार्ज किसको कहते हैं, चार्ज किसको कहते हैं, अगर मैं दोस्तों ये दो डॉट लगा दूं, अगर मैं ये दो डॉट लगा दूं और इन डॉटों को मिला दूं, है ना, ये क्या बन गया हमारी, ये बन गई हमारी दोस्तों एक वायर। ये क्या बन गई हमारी, एक वायर, एक ये बन गई तार, है ना। देखिए ये तार है, यहां पर क्या है, आवेश है, यहां पर क्या है, आवेश है, यानी कि चार्ज है, है ना। क्या है ये, चार्ज है। देखिए अगर एक एम्पियर का करंट, अगर एक एम्पियर की करंट मेरे भाई एक सेकेंड में, कितने सेकेंड में, एक सेकेंड में किसी एक पॉइंट से लेकर के, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, है ना। अगर एक एम्पियर का करंट एक सेकेंड में एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक चली जाती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं, है ना। विभव किस चिड़िया का नाम है, विभव दोस्तों देखिए कोई भी चीज़ होता है मेरे भाई, कोई भी चीज़ होता है वो आपस में लिंक होते हैं। जैसे कि हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे माता पिता है, हम उनसे लिंक है, हमारे पेरेंट्स से फिर कौन आया, फिर हम आए, हम अपने माता पिता से लिंक है, हमारे पेरेंट्स किससे लिंक है, वो अपने पेरेंट्स से लिंक है, है ना। उसी प्रकार से ये जो हमारी क्वांटिटी है, ये जो हमारी करंट है ना, इसमें कई सारे क्वांटिटी आपस में लिंक है। कैसे, ये करंट का क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान तक, है ना। ये कोई हवा थोड़ी है उड़ के चली जाएगी, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और जो कार्य कर रहा है ना भाई साहब वही कहलाता है विभव। इसको हम टेक्निकल भाषा में क्या कहेंगे, टेक्निकल भाषा में कहेंगे कि कोई चार्ज है, है ना, वो किसी अनंत क्षेत्रफल से या किसी इकाई क्षेत्रफल से एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब कि किया गया जो कार्य है ना, वो कार्य क्या कहलाता है, वो विभव कहलाता है। यानी कि वो जो कार्य हो रहा है ना, उसी कार्य के दौरान करंट क्या हो रही है, इस बी पॉइंट तक पहुंच रही है, है ना। तो ये चीज होती है। सारा खेल दोस्तों कहां पर है, सारा खेल यहां पर है। अगर विभव नहीं है तो दोस्तों करंट जो है ना वो फ्लो नहीं हो पाएगी, वो क्या नहीं हो पाएगी, वो बिल्कुल भी मेरे भाई फ्लो नहीं हो पाएगी, है ना। सेशन को लाइक भी करते रहेंगे। बाकी दोस्तों सारे क्वेश्चन की कंट्रोलिंग, सारे क्वेश्चन की जो कॉन्सेप्ट है ना, बस कुछ ही समय दे दीजिए, बस कुछ ही मिनटों में, है ना, इसका टोटल सॉल्यूशन आप सभी के नोटबुक तक होगा, है ना। ये आपसे मेरा वादा है, ये आपसे दोस्तों क्या है, मैं वादा करता हूँ आपसे, और वादा देखिएगा टूटने नहीं दूंगा, है ना। वादा दोस्तों मैं टूटने नहीं दूंगा, है ना, वो प्यार वाली वादा अलग बात है, ये वादा दोस्तों एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच की वादा हो रही है ना। तो याद रखिएगा, जब तक कोई बाहरी बल अवस्था बदलने का प्रयत्न ना करे, है ना, हर वस्तु अपनी स्थिर या गति की स्थिति में रहती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम कहलाता है, कहने का मतलब है जैसे कि आप बाइक चलाते हैं, है ना, आप बाइक चलाते हैं खूब स्पीड से भी चलाते होंगे, है ना, जैसे कि चार नंबर पे आप बाइक को भगा रहे हैं ना, अगर आप बाइक को रोकना चाहेंगे ना तो रोकने के लिए आपको बाहरी बल लगाना पड़ेगा, यानी कि ब्रेक लगाना पड़ेगा, और अगर बाइक को और ज्यादा भगाना है आपको तो फिर भी बाहरी बल लगाना पड़ेगा, यानी कि एक्सीलेटर लेना पड़ेगा। तो जब तक बाहरी बल अगर आप नहीं लगाते हैं ना, तब तक आपकी जो बाइक है वो गति जिस स्पीड से कर रही है वो उसी स्पीड से करती रहेगी। अगर कोई भी चीज रुकी हुई है तो वो रुकी हुई ही रहेगी। ये क्या कहलाता है, ये इसका फर्स्ट नियम कहलाता है ना, ये क्या कहलाता है, न्यूटन का पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहलाता है कि संवेग में परिवर्तन की दर, यानी कि प्रवेग में परिवर्तन की दर जो है, और इसमें लगाए गए जो बल है ना, वो उसके अनुपात में होती है। यानी कि दूसरा नियम क्या कहती है दोस्तों, संवेग, यानी कि इसको हम प्रवेग भी कहते हैं। प्रवेग क्या कहती है, जो गति है हमारी, है ना, गति की जो परिवर्तन होती है ना, गति में जो परिवर्तन होती है, परिवर्तन की जो दर है, ये दोस्तों समय है ना, ये समय। देखिए संवेग जो है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती गति में परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है। सिंपल सी समझिए, दूसरा नियम यही है। ये कौन सी नियम है हमारी, ये दूसरा नियम है, और पहला नियम का एग्जाम्पल ये है। पहला नियम का एग्जाम्पल क्या है, ये पहला नियम का एग्जाम्पल है ना। देखिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्सिया, एन ऑब्जेक्ट विथ नॉट चेंज
इज मोशन, यानी कि जब तक आप उसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे मेरे भाई, तब तक ये मोशन में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा, है ना। डी आई एन किसका रूप है बताइएगा, डी आई एन किसका रूप है, है ना, डी आई एन किसका रूप है दोस्तों, ये है रिलीजन और वे ऑफ लाइफ, या डायरेक्टर, या फिर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, या डाइचेस इंडस्ट्रीज नॉर्वंग, है ना, तो यही होगा डाइचेस इंडस्ट्री नॉर्वंग। देखना ये इसका अर्थ क्या होता है, है ना, जो आपका डी आई एन है ना, इसका अर्थ क्या होती है, इसका अर्थ होती है दोस्तों जर्मनी संस्था, इसका अर्थ क्या होती है जर्मनी संस्था, यानी कि जर्मन का कोई कोई ना कोई एक इंस्टीट्यूट है, जैसे हम बी आई एस पढ़ते हैं ये हमारे इंडियन का इंस्टीट्यूट है, है ना, वैसे ही डी आई एन का इंस्टीट्यूट, यानी कि जर्मनी का इंस्टीट्यूट क्या है, डी आई एन। अब सुनिएगा, जो डी आई एन है ना मेरे भाई, ये जो डी आई एन है ना, है ना, ये क्या है डी आई एन, है ना, ये एक से लेकर के 1 to 1 to 79,999, कितना 79,999 तक है, है ना, नहीं समझ में आया ना, समझिए देखिए डी आई एन 1 से लेकर 79,999 तक है, और 30,000, कितना 30,000 डी आई एन जो है ना मानक है, ये क्या है इंजीनियरिंग के फील्ड में, इंजीनियर्स के फील्ड में ये क्या है अभी के टाइम में एक्टिव हैं, है ना। अब समझिए, जैसे कि हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, है ना, जो हमारा क्या है बी आई एस है, बी आई एस में हम क्या पढ़ते हैं कि 1956 में क्या पढ़ते हैं वायरिंग के बारे में, ये टोटल इंफॉर्मेशन हमें वायरिंग के बारे में देती है, इंस्टॉलेशन चाहे वायरिंग का एसेसरीज हो गया, सभी के बारे में जानकारी देगी, है ना। जो आपकी बी आई एस है, है ना, बी आई एस 48 किसके बारे में जानकारी देगी, ये लीकेज करंट के बारे में जानकारी देती, किसके बारे में, लीकेज करंट के बारे में। और जैसे कि बी आई एस 28 ये हो गया, ये किसके बारे में, ये मीडियम वोल्टेज, ये किसके बारे में, मीडियम वोल्टेज 650 वोल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, यानी कि जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है ना, ये भी एक नंबर से स्टार्ट हुई होगी, 28 नंबर पर जाके ये किसका इंफॉर्मेशन दे रही है, मीडियम वोल्टेज का, 48 पे लीकेज करंट का, 1956 में वायरिंग का। उसी प्रकार से डी आई एन भी एक नंबर से स्टार्ट हुआ, 79,999 नंबर तक गई है, लेकिन इसमें से कुछ जो है जो एक्टिव नहीं है, कहने का मतलब कि जैसे कि डी आई एन 5 हो गया एग्जाम्पल के लिए, है ना, डी आई एन 5 हो गया, ये स्टैंडर्ड नहीं है जर्मनी का, है ना। तो 30,000 ऐसे मानक है इसमें से जो इंजीनियरिंग के फील्ड में, यानी अलग अलग फील्ड भी हो सकता है, है ना, वहां पर ये क्या है मेरे भाई, ये एक्टिव है, है ना। जैसे कि मार्केट में हम जाते हैं ना, तो बीआईएस का अगर लोगो लगा हो, आईएसओ का अगर लोगो लगा हो, तो हम क्या कहते हैं, वो स्टैंडर्ड है, है ना, और वो लीगल है, गवर्नमेंट ने उसको ऑथोराइज दे रखा है कि ये भाई स्टैंडर्ड है, है ना। उसी प्रकार से इसमें 30,000 डीआईएन मानक जो है वो क्या है, अथॉरिटीज है अभी, है ना, ये होती है डीआईएन। यानी कि हम इंडियन हो के भी हमें जर्मनी का कुछ नॉलेज जो है ना वो लेकर के चलना पड़ रहा है ना, क्योंकि हम हमारी जो पढ़ाई ना वो है ही इस प्रकार की, हमारी जो पढ़ाई है इस प्रकार की। अब देखना यहां पर कई लोग ऐसे भी सोचते हैं दोस्तों, कई लोग का मेंटेलिटी ऐसा भी है कि हम आईटीआई जो है ना बहुत छोटा कोर्स है, मेरे भाई आईटी छोटा कोर्स नहीं है। अगर कोई दूसरा कोई कहता है ना, तो आप उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा, कोई छोटा कोर्स नहीं है, कोई भी पढ़ाई छोटा या बड़ा नहीं होता है, है ना। देखिए छोटा या बड़ा ना कहने वाले की सोच होती है ना, छोटा या बड़ा कहने वाले की सोच होती है, छोटा या बड़ा पढ़ाई, छोटा या बड़ा कोई पढ़ाई नहीं होता है, है ना, पढ़ाई तो बस पढ़ाई होता है, ज्ञान तो बस ज्ञान होता है ना। तो ये बात होती है मेरे भाई। अगला है कि जी आई एस का संपूर्ण रूप क्या होता है, ये होता है जैपनीज इंडस्ट्रीज स्टैंडर्ड, जैसे कि जर्मनी का था वैसे ही ये जापान का है, है ना। नेक्स्ट है आपका किसी चार्ज के आकर्षण एवं प्रतिकर्षण के गुण का अध्ययन किस मापक यंत्र द्वारा किया जाता है, है ना। आपने दोस्तों बहुत पढ़ा होगा, आपने इसके बारे में बहुत कुछ नॉलेज लिया होगा, लेकिन आप यकीन मानिए आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं ना, जो आपका भी दिल खुश हो जाएगा, है ना, बिल्कुल दोस्तों दिल खुश हो जाएगा। और दिल खुश करके ना एक बार इस वीडियो को भी शेयर कर दो यार, है ना, एक बार इस दिल खुश करके इस वीडियो को भी शेयर कर दो। देखो अगर मैं आपसे कहूँ ना कि आज के सेशन का सबसे खतरनाक सबसे डेंजरस क्वेश्चन कौन सा है ना, तो आप पूरे सेशन को एक बार देखना और आप एक्सपीरियंस करना, है ना, महसूस करना कि कौन से नंबर का जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस था आपके लिए, है ना। देखना यार कि अगर मैं आपसे ये कहूँ ना कि लाइफ में सबसे ज़्यादा डेंजरस क्या होती है ना, तो आप अगर ये कहेंगे ना कि सर प्यार, सर क्या लव, है ना, ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है ना, ये सबसे खतरनाक होती है, ये क्या है, ये सबसे खतरनाक चीज़ है।
अब देखिए ये जो चीज है ना, ये क्या है, ये जो भी है दोस्तों, ये बहुत ही डेंजरस होती है। ये क्या है, ये जो भी चीज है ना, बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। क्यों इसको डेंजरस नाम मैं दे रहा हूं, क्योंकि लोग इसमें डूब जाते हैं। लोग क्या करते हैं, इसमें डूब जाते हैं, इसमें खो जाते हैं। ये कभी नहीं कहता लव, कभी नहीं कहता प्यार, कभी नहीं कहता कि भैया मुझ में डूब जाओ, है ना। लोग डूबते हैं, लोग इसमें लुट जाते हैं शौक से, है ना, वो शौक से लुट जाते हैं। ये कभी कहता नहीं आप मुझ पे लुटो, है ना। ये तो वो चीज है जिससे, मतलब कि जो बहुत जरूरी है, है ना। ये क्या है, ये ऐसी चीज है जो लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो सबसे डेंजरस क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब आज के सेशन में सबसे डेंजरस क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। किसी चार्ज के आकर्षण एवं प्रतिकर्षण के गुण का अध्ययन किस मापक यंत्र द्वारा किया जा सकता है, एम्पियर मीटर, स्पीडोमीटर, माइक्रोस्कोप या माइक्रोमीटर। देखिए सबसे पहली बात, ये जो आपको चित्र नजर आ रही है यही है आपकी माइक्रोस्कोप। देखिए माइक्रोस्कोप जो है ना मेरे भाई, ये क्या है, माइक्रोस्कोप क्या है। देखिए हमारे अमेरिका एक साइंटिस्ट थे, अमेरिकन के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। जिनका क्या नाम था, नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना। इनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये कहां के साइंटिस्ट थे, ये यूएसए के साइंटिस्ट थे, ठीक ना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने लाइफ में एक रिसर्च किया। किसके बारे में रिसर्च किया, वो रिसर्च इनका था ना, वो रिसर्च इनका था दोस्तों स्टैटिक चार्ज के बारे में, है ना। किसके बारे में, स्थिर विद्युत के बारे में इनका एक रिसर्च था इंजीनियरिंग के फील्ड में। इन्होंने क्या किया कि स्थिर विद्युत को पैदा करने के लिए, यानी कि रिसर्च करने के लिए, पैदा तो किया नहीं जा सकता क्योंकि ये तो पहले से ही उपस्थित है, है ना। ये क्या है, एक चार्ज है, ये पहले से ही उपस्थित है, यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का इन्होंने क्या किया, रिसर्च किया। और रिसर्च में इन्होंने क्या, अपने रिसर्च में किस किस चीज का यूज किया, रिसर्च में इन्होंने किया, देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोस्तों एक होता है एम्बर, है ना, एम्बर को किससे रगड़ा, इन्होंने एम्बर को चमड़े से रगड़ा। रगड़ने से क्या हुआ, जो एम्बर है इसमें निगेटिव आवेश आ गई। ध्यान से सुनना, ये इनका पहला रिसर्च था। एम्बर को इन्होंने क्या रगड़ा, क्या किससे रगड़ा, चमड़े से, जिससे एम्बर में, किसमें, एम्बर में निगेटिव आवेश आई, है ना, ये भी ध्यान रखना है। फिर इन्होंने क्या किया, कांच लिया, है ना, कांच लिया, कांच को दोस्तों रेशम के साथ रगड़ा। किसके साथ में, रेशम के साथ में रगड़ा। तो जो कांच है ना, इसमें दोस्तों क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखिए पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में क्या करते हैं दोस्तों, आपस में दोस्तों ये रिपल करते हैं, यानी कि दूर भागते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप किसी जेंट्स का, जेंट्स से ही शादी कराइए, है ना, किसी लड़के का अगर लड़के से ही ब्याह करा दीजिए, तो क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, है ना। अब आप ये मत कहना कि सर सर्जरी करके पॉसिबल हो सकती है, सर्जरी एक अलग चीज हो गई, है ना, सर्जरी एक अलग चीज हो गई, लेकिन एक लड़के का लड़के के साथ ब्याह नहीं हो सकता ना। वैसे ही पॉजिटिव हमेशा कभी भी, मतलब कि पॉजिटिव कभी भी पॉजिटिव के साथ में नहीं रह सकता है। ये रहेगा कब, जब इसके साथ में एक निगेटिव रहेगी, है ना। यूं समझिए ये एक लड़की है, ये क्या है, यूं समझिए ये एक लड़की है ना, ये क्या है, एक लड़की है, और ये क्या है, ये एक लड़का है, है ना, ये क्या है, ये एक लड़का है, ठीक है ना, ये एक लड़की है और ये एक लड़का है, और ये क्या करेंगे, ये आपस में दोस्तों अट्रैक्ट हो सकते हैं, है ना, क्योंकि इनका वर्जन अलग अलग है। ये अलग वर्जन का है, ये अलग वर्जन की है। इसी प्रकार से ये पॉजिटिव जो है अलग वर्जन है, निगेटिव अलग वर्जन है, तो इनमें अट्रैक्शन होगा। रिपल्सन कब होगा, जब लड़के के सामने लड़के ले आएंगे तो क्या होगा, रिपल्सन होने लगेगा, है ना, ये आपस में दूर भागने लगेंगे। तो ये पूरा माजरा होता है। अब ये तो हमें पता है कि पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास में ले जाएंगे अगर, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, रिपल्सन होगा। लेकिन आप जस्ट सोचिए, जस्ट आप इमेजिन कीजिए, अगर जो स्थिर विद्युत यानी कि स्टैटिक चार्ज के बारे में जिसने रिसर्च कर रहा होगा जिस टाइम पे, उसको तो ये मालूम नहीं रही होगी, है ना, तो उसने मालूम किया अपने रिसर्च में, है ना। और ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है ना, ये इलेक्ट्रोस्कोप दोस्तों इसी इलेक्ट्रिक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का ये क्या करता है, इसके बारे में दोस्तों ये इसका मेजरमेंट करता है। और जो स्थिर इलेक्ट्रिसिटी है ना, इसको कभी भी आप वायर के माध्यम से ट्रांसफर नहीं करा सकते हैं, है ना। अगर आप चाहेंगे ना कि मैं इससे एक लैंप जला लूं, तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता है, आप लैंप नहीं जला सकते हैं, है ना, क्योंकि ये ट्रांसफर होता ही नहीं है। ये माजरा है टोटल। देखिए माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का प्रयोग कहां पर करेंगे, सूक्ष्म चीजों को, है ना, सूक्ष्म, आप यूं समझिए जीवाणु, है ना, सूक्ष्म जीवाणु को देखने के लिए, सूक्ष्म जीवाणु को क्या करने के लिए, देखने के लिए। अब ये आंसर तो सटीक नहीं है क्योंकि हम इंजीनियरिंग के फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर ये दोस्तों सूक्ष्म जीवाणु ये तो हो गया किसका, ये तो डॉक्टरी फील्ड का पढ़ाई हो गया, है ना, तो ये नहीं। लेकिन बट आप यूं समझिए कि छोटे छोटे चीजों को देखने के लिए माइक्रो, माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब बहुत छोटा चीज हो गया, है ना। स्पीडोमीटर का यूज कहां पर करते हैं, तो स्पीडोमीटर का यूज करते हैं दोस्तों आप कार
कार में, है ना, कहां पर, कार में या फिर बाइक में। देखिए बाइक में क्या होता है और कार में क्या होता है कि जो एक मीटर लगी होती है ना, जैसे ही आपकी कार न्यू में फर्स्ट टाइम चलना स्टार्ट होती है तो किलोमीटर उसमें जुड़ना स्टार्ट हो जाता है ना। फिर आप उस गाड़ी को स्विच ऑफ करते हैं, इसके बावजूद भी वो किलोमीटर जीरो पे नहीं जाती है, वो उतने पे ही रहती है जितने पे चला करके गाड़ी को आपने खड़ा किया है। वो कौन सी मीटर है मेरे भाई, वो है स्पीडोमीटर। एम्पियर मीटर किसका मापन करेगी, बताने की जरूरत ही नहीं है, है ना, बताने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं आता तो आप लिखिएगा करंट, करंट का है ना, किसी अदर सर्किट में एक अंतरराष्ट्रीय एम्पियर का मान कितना होता है, एक अंतरराष्ट्रीय एम्पियर का मान कितना होगा, वो 0.9995 क्या है, 0.99985 एम्पियर है ना। ये क्या है, एक इंटरनेशनल एम्पियर का मान होता है। चांदी के सापेक्ष तांबा में विद्युत चालकता कितनी होगी, देखिए यहां पर क्या है, यहां पर एक आपके पास है चांदी, है ना, और दूसरी क्या है तांबा। देखिए चांदी जो है ना इसमें 100% चालकता होता है, इसके सापेक्ष में ना तांबा में 96% चालकता होती है। लेकिन इन दोनों की मेरे भाई अगर विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में देखा जाए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में देखा जाए, तो लगभग ये कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। क्योंकि देखिए चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है, 1.601 है ना, और तांबा का कितना होता है, 1.642 है ना, ये होता है इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मान, ठीक है ना। ये हो गया आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये किसका है, ये गोल्ड का है, ये किसका है, ये गोल्ड का है ना, ये किसका होगा, ये सोना का होगा, है ना। और ये किसका है, ये शायद तक है जर्मन सिल्वर है ना, आई थिंक सॉरी मरकरी का है, ये किसका है, पारा का है, ये किसका है, ये पारा का है, मरकरी का है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, ये इसका क्या है, ये इसका करेक्ट आंसर है। देखिए ये आपके लिए दोस्तों एक क्वेश्चन आ गया, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है ना, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसको इत्मीनान के साथ देखिएगा, है ना, बिल्कुल अपना माइंड का माइंड जो है ना इसको एक्टिव कर लीजिए, है ना, क्योंकि बारी अब किसकी आ चुकी है दोस्तों, बारी अब लड़ने की आ चुकी है ना। शायद तक यही कमेंट आएगा, सर यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा खतरनाक है, सबसे ज्यादा क्या है, ये डेंजरस है। एक तांबे की तार की जो लंबाई है वो 200 मीटर है ना, काट का क्षेत्रफल कितना है, 1.071 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध इतना है तो तांबे की तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए ये फॉर्मूला नहीं है, ये इस क्वेश्चन की कमजोरी है, इस क्वेश्चन की क्या है, ये सबसे बड़ी कमजोरी है। जैसे इंसान की कमजोरी कुछ ना कुछ होती है, वैसे ही हर क्वेश्चन का कमजोरी होती है, तो ये क्या है, इस ये फॉर्मूला क्या है, एक कमजोरी है, है ना। आपको निकालना है यहां से आर, रो का मान कितना है वो दिया गया है यहां पर, देखिए विशिष्ट प्रतिरोध 1.724 है ना, 1.724 है ना, 1.724 बटा गुड़े 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 L का मान कितना है, लंबाई कितना है 200 मीटर है ना, कितना है 200 मीटर। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 100 से मल्टीप्लाई करने का। अगर बड़ी संख्या को छोटी संख्या में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना है, अगर छोटी संख्या को बड़ी संख्या में कन्वर्ट करना है तो आपको जस्ट भाग देना पड़ेगा, है ना, क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो मीटर बड़ी संख्या है, सेंटीमीटर में बदलना है, तो हमें क्या करना है, इसको गुणा करना होगा, है ना। एरिया कितना है, एरिया है 1.071 है ना। अब देखिए यहां पर देखिए आप देख पा रहे होंगे कि रो का मान यहां पर माइक्रो में है, माइक्रो का मतलब होता है, देखिए माइक्रो का मान होता है 10^-6, अगर हम नीचे ले आए तो 10^+6 हो जाएगा, है ना। आप इसको दोस्तों आप इसको खुद मतलब कि मल्टीप्लाई करके देखेंगे, है ना, आप इसको खुद मल्टीप्लाई करके देखिएगा, इसको सॉल्व करके देखिएगा और कॉमेंट में आंसर जरूर भेजिएगा, है ना, कि इसका आंसर क्या होने वाला है। शुद्ध तांबे की रोधकता 20 डिग्री ताप पर कितना होगा, तो वो होगा आपका 1.72 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, है ना। ये प्योर कॉपर की बात हो रही है, किसकी, प्योर कॉपर की बात हो रही है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होता, जिसमें कोई भी मिलावट नहीं होता, जिसको कहते हैं ट्रू लव, है ना। ट्रू लव में शायद तक कुछ मिलावट नहीं होता ना, कहने को तो ऐसे ही कहा जाता है, अब पता नहीं। 2.69 माइक्रो ओम मीटर सेंटीमीटर ये किसका है, ये है शुद्ध एल्यूमिनियम का, ये किसकी है, ये शुद्ध एल्यूमिना की है। और 1.64 ओम ये शायद तक, ये किसकी है, 1.64 माइक्रो ओम ये है आपकी चांदी की, ये किसकी है, शुद्ध चांदी की, जो शुद्ध चांदी होगा ना उसी का ये मान है, है ना। 0. ये एनिल्ड कॉपर की है, ये किसकी है, ये है आपकी एनिल्ड तांबा, है ना, एनिल्ड तांबा। आंसर है ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने। अगर ये क्वेश्चन दोस्तों आ गया ना तो मजा आ जाएगा, देखिए ये क्वेश्चन आ गया तो मजा आ जाएगा, है ना।
अभी कौन कौन से विद्यार्थी देखिए जो एमपी इसमें मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देकर के आए हैं ना, अपना अपना थोड़ा सा स्कोर आप जरूर बताएंगे कि आपका स्कोर कैसा गया है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा अंदाजा लगा पाएंगे कि आपका मतलब सिलेक्शन वाली जो चांस है ना और जो आपका वो फिजिकल वाली जो चांस है वो चांस बनता है या फिर नहीं है ना, आप जरूर एक बार कॉमेंट करके हमें बताएंगे। नाइक्रोम किसका मिश्रण है, नाइक्रोम किसका मिश्रण है ये बताइएगा दोस्तों, नाइक्रोम किसका मिश्रण होता है, नाइक्रोम होता है क्रोमियम प्लस निकिल। देखिए क्रोमियम अगर 20% क्रोमियम मिला दे प्लस अगर इसमें 80% निकल मिला दे तो मिलकर के क्या बनता है, ये हमारी बन जाती है नाइक्रोम। ये क्या बनेगी, नाइक्रोम। और नाइक्रोम से क्या बनाते हैं हम, हीटर का एलिमेंट, हीटर का एलिमेंट बनाई जाती है नाइक्रोम से, है ना। इसके बाद देखिए क्रोमियम, अगर हम क्रोमियम देखिए, अगर हम क्रोमियम कितना मिला, हाँ क्रोमियम प्लस निकल प्लस लोहा, इससे क्या बनता है मेरे भाई, इससे बनती है आपकी शायद कैंथल, इससे क्या बनती है कैंथल। और कैंथल का प्रयोग कहां पर किया जाता है, विद्युत भट्ठी में, कहां पर, विद्युत भट्ठी एलिमेंट बनाने में, है ना। अब याद रखना मेरे भाई, ये हीटर का एलिमेंट बनाया जा रहा है इससे नाइक्रोम से, और कैंथल से विद्युत भट्टी का एलिमेंट बनाया जा रहा है। और इसको सप्लाई कैसे देते हैं, इसको सप्लाई दिया जाता है दोस्तों टीजर ट्रांसफॉर्मर से, किससे, टीजर ट्रांसफॉर्मर से विद्युत भट्टी को सप्लाई हम देते हैं, है ना। तो ये वाली बात होती है। तांबा प्लस निकल क्या है इसमें, तांबा प्लस निकल, अगर हम 60% तांबा प्लस 40% निकल मिला दें तो इससे क्या बन जाएगा, यूरेका, इससे क्या बनेगा, यूरेका। और ये रियोस्टेट बनाने के काम आती है, क्या बनाएगी, ये रियोस्टेट बनाएगी, है ना। तांबा निकल जस्ता, देखिए अगर ये 60% तांबा प्लस 30% निकल प्लस 10% जस्ता मिला देंगे तो इससे क्या बनेगी, इससे बन जाएगी आपकी जर्मन सिल्वर, इससे क्या बनेगी, जर्मन सिल्वर, है ना। देखिए तांबा निकल जस्ता से जर्मन सिल्वर, तांबा निकल से यूरेका, क्रोमियम निकल से नाइक्रोम, क्रोमियम निकल लोहा से क्या बनेगा, कैंथल बनेगा। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो चुका है, ठीक है मेरे भाई, आंसर क्या हो चुका है ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों जो भी विद्यार्थी रेलवे की तैयारी की कर रहे हैं ना, और जो भी विद्यार्थी रेलवे की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं ना, बस दोस्तों इंतजार बहुत ज्यादा हो चुका है, है ना, इंतजार बहुत ज्यादा हो चुका है, और बहुत ही जल्द देखिएगा नोटिफिकेशन आने वाली है, है ना। देखो यार अगर कोई भी चीज ना, किसी भी चीज को अगर इंसान सब्र करने के बाद उसको मिलता है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, है ना। अगर देखिए अगर ये वैकेंसियां हर 2 महीने में, हर 4 महीने में आने लगे ना तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, है ना। लेकिन अब इतना भी वेट हमें ना कराए सरकार, आपको ना कराए कि भाई 5-5 साल 10-10 साल लग जाए, फिर इसका मतलब ही क्या है ना, फिर तो आपका जो इंतजार है वो इंतजार खत्म हो जाएगी, है ना, इंतजार मर जाएगी, इंतजार मुरझा जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा किसी तांबे का वायर गेज नंबर कितना है, 6SWG है, mm में इसका साइज कितना होगा, 6SWG का होता है 4.8768 mm, है ना, ये किसका है, 6SWG का, है ना। और ये है आपका 7.62001SWG, ये किसका है, 1SWG, है ना। और 8.2296 ये है आपकी 0SW, ये उल्टा हो गया क्या, 6SWG, ये 0SWG की है ना। 3.25110 ये है आप 12, ये है आपका 10SWG, है ना। तो देखिएगा SWG जो होता है ना इस प्रकार से होता है, ये mm में होती है, ये किस में होगी, SWG का मान mm में हो गया और ये mm में है, इस तरफ मैंने SWG में लिख दिया, है ना। यो अगला क्वेश्चन देखना कि 1-2 कोर वाले, ये भी देखिएगा इस क्वेश्चन को ना हम ध्यान से देखेंगे, 1-2 कोर वाली केबल का आकार ज्ञात कीजिए, केबल को 50 एम्पीयर का अधिकतम करंट ले जाने में प्रयोग करना है, केबल की लंबाई कितना है 50 मीटर है, स्वीकृत सप्लाई वोल्टेज कितना है 250 वोल्ट, फाइंड द साइज ऑफ द 2 कोर केबल, है ना, केबल का साइज आपको फाइंड करना है। द केबल इज टू बी यूज्ड टू कैरी ए मैक्सिमम करंट ऑफ 50 एम्पीयर, द लेंथ ऑफ द केबल इन द मीटर्स 50 मीटर्स एंड द अप्रूव्ड सप्लाई इज 250 वोल्ट्स, है ना। देखिए इसको हम कैसे शुरू करेंगे, शुरू हम ऐसे करेंगे कि देखिए
यानी कि कोई एक सर्किट है ना, केबल है तो सर्किट ही बनाएंगे, सर्किट का करंट मैक्सिमम करंट कितना है, वो है आपका कितना है 50 एम्पियर, कितना है 50 एम्पियर। अब देखिए ये सर्किट का करंट हो गया 50 एम्पियर। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि केबल की लंबाई है ना, क्या बोल रहा है यहां पर, केबल की लंबाई कितना गया है, कितना दिया गया है 50 मीटर। मेरे भाई सिर्फ 50 ही नहीं, 50 एक कोर का, यहां पर क्या है दो कोर वाली केबल है ना, तो 50 को आप 50 से गुणा कीजिए कितना आ जाएगा, अरे जोड़िए यार, गुणा नहीं करना है, जोड़ना है ना, क्या करना है 50 + 50 = 100 मीटर। क्यों, क्योंकि दो कोर की एक फेज एक न्यूट्रल होगी, जो न्यूट्रल वाली केबल है ना तार है उसको हम रिटर्निंग वायर के नाम से जानते हैं, और रिटर्निंग वायर जो होती है ना उसमें क्या होती है मेरे भाई, उसमें करंट जो है ना वो रिटर्न होती है, तो 100 मीटर ये हो गया। देखिएगा सर्किट के, अब देखिएगा सर्किट के कुल एम्पियर मीटर है ना, एम्पियर मीटर, सर्किट के कुल एम्पियर मीटर, एम्पियर सर्किट में कितना चल रहा है 50 है ना, और ये कितना है मीटर, कितना है 100, कितना हो जाएगा टोटल 5000 एम्पियर मीटर, कितना हो जाएगा 5000 एम्पियर मीटर। अब देखिए ये आपको मिल गया, अब आपको क्या करना है, अब आपको देखिए स्वीकृत सप्लाई वोल्टेज है ना, देखिए प्रति वोल्ट यानी कि सप्लाई स्वीकृत सप्लाई वोल्टेज लिखिए है ना, क्या लिखिए आप यहां पर, स्वीकृत सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप है ना, कितना है 250, 250 × 2/100 + 1 = 6 वोल्ट आएगी। अब ये कैसे आएगी ये समझाइए हमें है ना, देखिए 250 वोल्ट है ना, क्या है 250 वोल्ट है, ये कौन सी वोल्टेज कहलाएगी, ये मीडियम वोल्टेज कहलाएगी मेरे भाई, कौन सी वोल्टेज कहलाएगी, मीडियम वोल्टेज कहलाएगी, और मीडियम वोल्टेज में ना 2% ± 1 है ना, इतना क्या है इसमें, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा हमें इतना 2%, अगर इसका 2% वोल्टेज ड्रॉप भी हो जाता है ना तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई जुर्माना कोई पेनाल्टी नहीं भरना होगा, तो वही आ गया 2/100 + 1, आप इसको करेंगे 6 वोल्ट हो जाएगा है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद अब क्या करेंगे, अब देखिए प्रति वोल्ट है ना, प्रति वोल्ट स्वीकृत सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप है ना, कितना है ये 5000 है, देखिए ये 5000 को जब आप 6 से भाग देंगे है ना, 5000 को 6 से भाग दीजिए, 5000 को क्या कीजिए 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा 8 × 48 है ना, 8 × 48 = 49, 50 = 2 है ना, 20 हो गया, 6 × 3 = 18, फिर 6 × 3 = 18 है ना, अब जाएगा नहीं पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर 6 × 3 = 18 इतना जाता रहेगा ठीक है ना, ये हो गया वोल्टेज ड्रॉप कितना 833.3। आपसे क्या बोला जा रहा है कि दो कोर वाली केबल का आकार कितना होगा, देखिए दो कोर वाली केबल का आकार 1/1626 mm साइज होगी है ना, ये आपको ना याद रखना पड़ेगा या थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, या फिर आपको डाटा शीट देखनी पड़ेगी, ये वोल्टेज ड्रॉप वाली 7/1626 mm। अब ये जो है ना ये 35 एम्पियर करंट ये क्या करा सकती है, अपने अंदर से फ्लो करा सकती है, सहन कर सकती है ना, और इसमें 1 मीटर में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, कहने का मतलब कि 820 मीटर है ना, मीटर प्रति एम्पियर वोल्टेज ड्रॉप, कहने का मतलब कि 820 मीटर में ना 1 वोल्ट का इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा, उल्टा लिखा गया क्या, 820 मीटर की रेंज में ये एक क्या करेगा, एक वोल्टेज ड्रॉप कराएगा है ना, तो आंसर इसका क्या होगा, आंसर 7/1626 mm है ना, लेकिन हमने इसको क्या किया है, हमने यहीं तक आंसर लिखा है इसका ना, आंसर हमने यहीं तक लिखा है, यहीं तक, लेकिन ये इसका सही आंसर होगा 7/1626, ये इसका क्या होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा है ना, आंसर हमने अधूरा ही लिख दिया ऑप्शन में, बट कोई बात नहीं, अभी बेटी तो बाप की है। बैल्केनाइज्ड रबर की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है, वो 30 से 50 होगी, कितना होगी 30 से 50 kV/mm, 4.2 kV/mm किसकी है, यह आपकी एबोनाइट की, ये किसकी है एबोनाइट की,
और 30 से 40 है यह है आपकी एस्बेस्टस की, यह किसकी है, यह है आपकी एस्बेस्टस की, और 20 से 40 किलो वोल्ट है यह माइकानाइट की है, यह किसकी है, माइकानाइट की है ना, ये शायद तक ये है एस्बेस्टस की, ये है आपकी एस्बेस्टस है ना, और ये है आपकी 30 से 40 किलोवोल्ट प्रति एमएम, ये है आपकी एबोनाइट है ना, ये है आपकी एबोनाइट, हाँ अब सही है, और ये है वेल्केनाइज्ड रबर, वेल्केनाइज्ड इंडिया रबर का डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है ना, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये देखिए सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन दोस्तों हो चुके हैं है ना, बस सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, अब न्यू क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन देखिए सॉल्यूशन हमने वन बाई वन करके देख लिया, सभी क्वेश्चन अपने आप में ना बहुत ही बेस्ट थे, बहुत ही अच्छे थे। इस टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना मेरे भाई, ये टेलीग्राम जो है ना आपको दोस्तों पीडीएफ देने में हेल्प करेगा, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये जो हमारी सेशन चल रही है, इस सेशन में 7:30 बजे वाली जो हमारी सुबह की सेशन है, डेली आइएगा है ना, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए संडे मंडे कुछ नहीं होता है, डेली संडे होता है, डेली नया वर्ष होता है, डेली वैलेंटाइंस डे होता है ना, सब कुछ सारा डे डेली होता है, ठीक है ना। तो आप डेली आया करिए 7:30 बजे, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए है ना, वीडियो को दूसरे विद्यार्थियों तक पहुंचा दीजिए है ना। इसी प्रकार से दोस्तों लगातार मेहनत करते रहिएगा, बाकी दोस्तों कामयाबी जो है ना वो झक मार के आप सभी के पीछे आएगी, ठीक है ना। तो चलिए कल सुबह फिर से मिलते हैं दोस्तों एपिसोड नंबर 19 लेकर के, तब तक के लिए आप सभी को दिल की गहराइयों से ढेर सारा प्यार है ना, चलिए मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।